बादल वादे हैं कि ये खुद से हमने ये जमीन पर बत दश्तो दरिया हो धरती हर धड़कन अपनी है इस मिट्टी से बांधी हर घड़ी तैयार कामरान है हम जैसे हो हालात का मान है हम हर घड़ी तैयार कामरान है हम जैसे हो हालात का मान है हम हर
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم Hello? आपके ठीक है अल्लाह कर रहा हूँ अल्लाह कर रहा हूँ जी जी हुक्म करें सर पहले तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने जो एग्जाम का ये लाइव कॉल वाला बहुत जबरदस्त सर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अपने फैमिली का हिस्सा हो सर मेहरबानी आपकी बड़ी मेहरबानी सवाल पूछे जो भी पूछना है बड़ी मेहरबानी आपकी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है मैं आपको बताऊं कि जब से हम यहाँ पे आए हैं पहले कोई सन कोटा भी नहीं थी और इसकी डिजीज कोटा भी नहीं थी तो अभी हमने हाई कोर्ट के हुक्म थे कि आप इनको नौकरियां दें लेकिन कंटेप्ट प्रोसीडिंग्स चल रही थी लेकिन हमने आने के बाद डिजीज कोटा जितनी थी हर शहीद का जो बच्चा है उसको नौकरी दी गई और दूसरा जो डिजीज कोटा का मकसद ये होता है कि जो पुलिस वाला इसमें सर्विस के दौरान किसी की नेचुरल डेथ भी हो जाए तो उसके बेटी या बेटे को नौकरी मिलती है परसों ही मैंने 42 बंदों की मैंने 42 बंदों की जूनियर क्लरों की आर्डर्स इशू किए हैं पहले भी किए हुए हैं मुझे मेरे पास अभी फिगर्स नहीं है लेकिन ये जो लोग जितने भी थे उनको हमने वैकेंसियों के अवेलेबिलिटी या वैकेंसी ज़रूरी होती है जितनी भी हमारी वैकेंसियाँ थी हमारे पास उन सारों को हमने नौकरी पर लगा दिया है वो जूनियर क्लर्क भी हैं पुलिस के पुलिस कांस्टेबल भी हैं और हमने ये दो SOPs इशू किए हैं स्टैंडिंग प्रोसीजर्स वो यही थे जो कि जितने भी शुदा हैं उनके बच्चों को नौकरी दी जाए और जितने भी डिजीज्ड हैं जो ड्यूरिंग सर्विस जिसकी डेथ हो गई है तो उनको दी जाए मैं तो अभी जो मुझे पता मैंने याद है कि परसों मैंने डे बिफोर येस्टरडे 42 आदमियों की हमने जूनियर क्लर्कों की पोस्टें जो हैं वो उनको नौकरी दी है बाकी पहले भी थी मेरे ख्याल में पिछले साल शायद 550 आदमियों को डिजीज कोटा में नौकरी दी गई है तो ये हमारे लिए बड़ी एक फख्र की बात है क्योंकि पुलिस के जो वेलफेयर का जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसके बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती तो हमारी कोशिश यही है कि पुलिस की जितनी केपी पुलिस ने शहादतें दी हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पुलिस के वेलफेयर का ख्याल रखा जाए तो मेरे ख्याल में हम अभी भी और भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी कोई भी इंशाल्लाह बच्चा या बच्ची किसी शहीद की या जिसकी डेथ हो गई है सर्विस में वो नहीं रहेगी बगैर नौकरी के इंशाल्लाह आप भी दुआ करें हमारे लिए बड़ी मेहरबानी थैंक यू थैंक यू थैंक यू
आई जी पी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह वाजी से लाइव कॉल पर बात करने के लिए अभी डायल करें 0919291. हेलो डिस्ट्रिक्ट नौशेरा से रिगार्डिंग सफर में चाहती हैं. हेलो डिस्ट्रिक्ट नौशेरा से रिगार्डिंग सफर में चाहती हैं. जी 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 बात कराएं बात. हेलो अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? आप हुक्म करें बताएं. सर जी आप कर रहे हैं? जी जी मैं बोल रहा हूँ, आईजी बोल रहा हूँ. सर मेरा एक कंप्लेंट है. क्या है? एक कंप्लेंट है थाना साउथ के बारे में सर. ठीक है. मेरे और मेरे भाई के खिलाफ एफआईआर किया था जी, सोसेज जी ए और एलो. एफआईआर का क्या नंबर है? एफआईआर का नंबर है 398. और पुलिस स्टेशन कौन सी है? टाउन जी पेशावर. ठीक है जी. नहीं इसका करते हैं, मैं देखता हूँ चेक करते हैं और आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म भी करेंगे कि क्या बना इसका. ये आपके खिलाफ है, इसमें कंप्लेनेंट है या जवाबदार हैं आप? सर मैं जवाबदार नहीं हूं सर, मेरा अगर आप हुक्म करें बिल्कुल बताओ. ये मेडिकल रिपोर्ट पे किया था. ठीक है. ठीक है. फिर मैंने सर दरखास्त दिया है जी साहब को. ठीक है. ठीक है. ठीक है. उस पर इंक्वायरी किया है डीएसपी साहब आया था बाद में. ठीक है. इंक्वायरी मुकम्मल करके सर उसने वापस एसपी साहब हेड को भेजा है, तो एसपी साहब हेड ने इसके ऊपर ऑर्डर किया है 29/12/2020 को. ठीक है. इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे इसने 436 बोगस किया है. ठीक है. तो ताजे वाले नहीं कर रहे. फिर मैंने एक कंप्लेंट किया है सीसीपी साहब को. ठीक है. वो कंप्लेंट नंबर है 45/13/2021 पर. ठीक है. तो अब तक किसी किस्म की कार्रवाई ताजे वालों ने नहीं किया है. बड़ी मेहरबानी, मैं इंशाल्लाह कल तक आपको पता चल जाएगा. मैं वेरीफाई करवा रहा हूँ ये जो आप बात कर रहे हो. इंशाल्लाह शाम को या कल तक आपको पता चल जाएगा. इंशाल्लाह बड़ी मेहरबानी है आपकी. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ये लिखते जाना ये जो हेलो. जी जी हेलो अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है. जी जी आईजी बोल रहा हूँ. आईजी बोल रहा हूँ. मुझे जी जी मेरे दोनों देवरों ने दुकान पर कब्जा किया हुआ है, मुझे घर से निकाला गया है. मैंने एप्लीकेशन भी आपको दी थी थाना सिटी को, हाट के थाना सिटी में मुझे 3 बुलाया गया है. उन्हीं के सामने उन लोगों ने मेरी पेशी की है कि आपके केसेस जो है वो 10 तक चलते रहेंगे. प्लीज आप लोग मेरी मदद करें, मुझे वहां से कोई इनकम नहीं आ रही. मुझे घर से भी निकाला गया है, मैं अपू के घर में रह रही हूँ. नहीं नहीं मैं अभी करता हूँ. आप नंबर शंबर आपका नोट हो गया है. इंशाल्लाह शाम को या कल तक इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा. इंशाल्लाह होपफुली हम मतलब औरतों के हकूक का बड़ा ख्याल करते हैं. इंशाल्लाह वी विल लुक आफ्टर यू पीपल इंशाल्लाह. थैंक यू बड़ी मेहरबानी. थैंक यू.
हेलो। डिस्ट्रिक्ट टाउन से जगतरी से बात करना चाहते हैं। हाँ हेलो, असलाम, क्या हाल है लियाकत साहब? ठीक हैं? अल्लाह का राम, दुआ दुआ, बिल्कुल ठीक ठाक। जी 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 ना, बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि लोगों को क्या मिला है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक तो अभी जो कुछ मिल रहा है वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और आइंदा जो मिलेगा उसके बारे में बताऊंगा। आपको सबसे बड़ा अवाम को ये हक मिला है कि आप पाकिस्तान के इक्वल शहरी हैं, आपको बुनियादी हुकूक मिले हैं। बुनियादी हुकूक का मकसद यही है कि मैं या कोई और बंदा या फंक्शनरी कोई भी काम नहीं कर रहा तो आप कोर्ट में जा सकते हो, आपका हक है कि काम करवाओ इसी बंदे से या उसी बंदे से, ये बहुत बड़ा हक है, और आईन ने आपका हक मंजूर किया हुआ है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि पुलिस उधर चली गई है, पुलिस एब्जॉर्प्शन हो गई है 19,000 की, और दूसरा ये जो अदलिया भी उधर आ गई है, तो जो पहले मजालिम होते थे या पहले जो वीकनेसेस थी ना, वो अभी आपको ये हक दिया गया है हर बंदे को। ये नहीं है कि बड़ा आदमी छोटा आदमी, बड़े के कोई और हुकूक होंगे, छोटे के कोई और हुकूक होंगे। छोटा या बड़ा आदमी जाकर कोर्ट में पुलिस अफसर को ये बात बता सकता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो और दूसरा यही है कि जितनी भी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहां पे चली गई है। और तो ये सबसे बड़ा जो मैं वैसे लोगों को यही बताता रहता हूं कि ये मुस्तकबिल का ये मर्जर है, और बुनियादी हुकूक लोगों को दिए गए हैं, और बुनियादी हुकूक बहुत बड़ी चीज होती है, ये एक नई आजादी होती है आदमी को। और ये आप लोग जितने भी हो, यंगर जनरेशन, आपके लिए ये मर्जर, और आप ही इसको आगे लेकर चलोगे, क्योंकि बुनियादी हुकूक आपको पता है जो कुछ माजी में हो चुका, मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन अभी बुनियादी हुकूक बहाल हो गए। कितने हुए हैं, कितने नहीं हुए, कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, इस पर तो डिबेट है, डिस्कशन हो सकता है, लेकिन आपका हक हुक्मरानी तस्लीम किया गया है, सबसे बड़ी बात यही है। तो इंशाल्लाह आपके एडवाइस से, आप लोगों के कुर्बानियों की वजह से हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और मेरे पास दूसरे भी लोग हैं लाइन में, इसलिए मैं कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकता। तो इतना ही मेरे लिए, आप लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि आपके बुनियादी हुकूक बहाल हुए हैं, और आप लोगों को मतलब अपने हुकूक के लिए आप किसी भी गवर्नमेंट के फोरम को या आईन के फोरम को आप इस्तेमाल कर सकते, तो जो माजी में नहीं था। और बाकी इसके लिए तो बहुत सी चीजें आगे होनी है, ट्रांजिशन अभी चल रही है, और इंशाल्लाह ये ट्रांजिशन अच्छी होगी। हमारी तो यही कोशिश है कि आप पिशावर, लाहौर, कराची जैसे बने, और आपके जितने भी फाटा के लोग हैं तकरीबन वो मर्ज मर्ज अभी हो रहा है। जैसे देखो साउथ वजीरिस्तान का एक ऐसे शो जो है वो लाकर आकर टांग में और डेरा इस्माइल खान में लगाए, असल मर्जर ये है के फाटा के इलाकों के लोग सेटल्ड एरियाज में बाय ट्रांसफर काम कर रहे हैं, और यहाँ के लोग उधर काम करेंगे, तो असल मर्जर उसी टाइम होगा। हमने शुरुआत कर दी है, बाकी इसमें टाइम लगेगा इंशाल्लाह, और आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और ये टाइम बताएगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह अच्छा होगा। मेरी सबमिशन यही है, बड़ी मेहरबानी आपको। ना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। हेलो हेलो अरमान बशीर या कतू पिशावर से। हेलो, अस्सलाम अस्सलाम अदनान, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह वालेकुम का राम, अल्लाह का राम। सर, मैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया में सिपाही का किरदार अदा कर रहा हूँ। मैं वैसे सिविल, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया में मैं किरदार अदा करता हूँ। मैं तो सर,
बड़ी मेहरबानी मैडम। हाँ, सवाल पूछे, सवाल पूछे। जी 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 बताएं बताएं बताएं। बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी अच्छी सजेशन है, इंशाल्लाह हम बनाएंगे कमेटी और ये मैंने नोट कर लिया है। दूसरा वो जहाँ कंप्लेंट का आपने बताया, दो साल से तो मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ पे, मैं एक साल से हूँ तो मैं अभी इसको भी देख रहा हूँ। दूसरा ये जो सोशल मीडिया वाला आपने बताया ना मुझे, उसमें ये हमारा जो वेब पेज है ना, मुझे जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि हमारी कवरेज तकरीबन 1,28,00,000 क्लाइंट हैं हमारे, तो ये तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत बड़ी एक कवरेज है। तो हम और इसको इम्प्रूव करेंगे, आप लोगों से एडवाइस लेंगे, गाइडेंस लेंगे आप लोगों से, आवाम से। और आपकी बड़ी मेहरबानी है कि सिविलियन होकर एज अ पुलिस मैन का किरदार अदा कर रहे हो, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हमारी यही कोशिश है। हाँ, थैंक यू वेरी मच, आपकी बड़ी मेहरबानी। और हम यही चाहते हैं कि हम आप जो है ना हमारे ही सोल्जर बन के आवाम को भी बताएं हमारी बातें और उनकी बातें हमें भी बताएं, ये बहुत जरूरी है। बड़ी मेहरबानी आप, ना बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो, बात करो। हेलो शाहिद, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह करम, अल्लाह करम। सबसे पहले तो मैं आपको ताजर ब्रदरी पिशावर की तरफ से खराज पेश करता हूँ कि आप पहली आई की आवाज मतलब सुनने के लिए लाए हुए था। बड़ी मेहरबानी आपकी, बस दुआ करते हैं। बड़ी मेहरबानी आपने, बहुत अहम मसले की तरफ आपने मेरी तवज्जो दिलाई। हमारे पास लेडीज कम है, अभी रिक्रूटमेंट पे हम कर रहे हैं और ये जो आपने बात बताई है बड़ी अच्छी बताई है। हमारे कोशिश यही है कि लेडीज को बहुत लिया जाए, इसमें तो हम अभी जो हम कर रहे हैं। नहीं, जरूर करेंगे, अच्छा हुआ आपने ये बात दिलाई, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास कम है,
अभी इंशाल्लाह हम उसकी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपकी ये जितनी भी ज़रूरियात हैं आपकी पूरी करेंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी। और इंशाल्लाह बड़ी मेहरबानी, मैं सीसीपी साहब से सलाह मशवरा करता हूँ, ये एडवाइस आपकी अच्छी है, तो इंशाल्लाह इसको भी देखते हैं, जरूर देखेंगे इंशाल्लाह। ना ना बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। हेलो, हेलो हेलो, अस्सलाम, क्या हाल है इस्माइल साहब? ठीक है? हाँ बस अल्लाह कर रहा हूँ। ओके, बहुत अच्छा। मेरा बेटा चालीस पे वापसी पे होते होंगे, ठीक है? मैं 2 साल से हर हफ्ते की चर्चा कर रहा हूँ लेकिन मुझे इंसाफ नहीं दे रहा, ठीक है? जो उस वक्त जो था, जब मैं मौके पे पहुंचा तो जो ने मुझे कहा कि भाई आप इस तरह करें, आप उस्ताद हैं, आप इस तरह करें, अपना बैग में इलाज ले जाए, 3 दिन आपकी मर्जी होता है। कैसा था जब मैं छोटे दिन से सिंचाई चला गया तो शिष्यों ने मिलने का मौका नहीं दिया, तकरीबन 5-6 दफा मैं उधर चला गया लेकिन शिष्यों से मिलने का नहीं देता था। फिर सुबह सवेरे मैंने नमाज पढ़ी और मैं वहां से चला गया तो शिष्यों साहब को मैंने थाने पे पाया, मैंने उनको कहा शिष्यों साहब मैं कितनी दफा आया लेकिन आप मिलने का मौका नहीं देते। शिष्यों साहब ने ड्राइवर के ठेके काट लिए और ड्राइवर जो है उसको भगा दिया है। अभी मैंने हर हफ्ते पीछे कर रहे लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं स्कूल का उपाय हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिल सके तो मुझे इंसाफ चाहिए। मैं आपसे अर्ज करता हूँ सर कि खुदा के लिए मुझे इंसाफ दे दे, स्कूल में आकर मेरे साथ कितनी गैर की कितनी जुल्म क्यों सर। बड़ी मेहरबानी, इंशाल्लाह मैं आपका नंबर नोट हो गया है, शाम तक आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह कि क्या हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये नोट करते रहे हैं भाई नवीद, ये जो इमीडिएट मसाइल है ना वो मुझे देना, उनको भेज दो एसएसपी और डीआईजी को, उनको कहीं शाम बताएं मुझे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है? अल्लाह का राम, अल्लाह का राम। आसिफ भाई हुकुम करें। ठीक है, ठीक है। पर्चा हुआ है? नहीं हुआ। पर्चा करवाया? नहीं हुआ है। क्या नंबर है एफआईआर का? 929। पुलिस स्टेशन कौन सी है? पुलिस स्टेशन कौन सी है? ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा हुआ आपने बताया, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ शाम। नहीं नहीं अल्लाह खैर करेगा, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। नहीं नहीं मैं अभी कहता हूँ, अभी कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपके बारे में जरूर, हमें बहुत उम्मीद है आपसे, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने एक ऐसा वो क्या है कि हम आपसे
इन्हें मैंने इसलिए किया है कि देखूं कि पुलिस के बारे में लोग क्या कहते हैं और जितना मुझसे हो सकता है ये मेरा ख्याल से आपको बहुत अच्छा काम किया है। पहली दफा हुए मेरा ख्याल से कि हम मैं आम आदमी हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ आई साहब से। नहीं नहीं बड़ी मेहरबानी पहली दफा हुआ है मेरा ख्याल से, लेकिन सभी हमें इंसाफ चाहिए और हमें इंसाफ जरूर दे रहे हैं, हम आपसे बहुत उम्मीद है। नहीं नहीं इंशाल्लाह करते हैं इंशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाजिर हाजिर बिल्कुल करते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो पेशावर गंडियर बाप से सनाउल्लाह फरमान बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सनाउल्लाह, क्या हाल है आपके? ठीक है सर, फरमान बात करते हैं सर, बहुत बहुत कैसे आप? ठीक है अल्लाह कर रहा हूँ, अल्लाह कर रहा हूँ, दुआ है सर। आई रियली एडमायर योर वर्क सर, जैसे आप काम कर रहे हैं और ये आपने जो इनिशिएटिव लिया है कि लाइव लोगों से बात करें तो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है और ये पीछे में जिस तरह हमने पहली दफा देखा है कि ये एक फोन है कि हम डायरेक्ट आईडी से बात कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी, हुक्म करें सर। इशू की तरफ आते हैं, मैंने आपसे इशू ये डिस्कस करना था कि जो हमारा पुलिसिंग रिक्रूटमेंट सिस्टम है सर, जी जी, ये बहुत ज्यादा डिले रखा हुआ है, लोग कवरेज जो रहे सर, जो आपने की भी सीएससी जो हमारा मेहरबानी। अभी हमने पेंडेमिक के वजह से, ये जो कोरोना का पेंडेमिक चला इसी वजह से 6-7 महीने इसको पेंडेंसी रही रिक्रूटमेंट में। अभी रिक्रूटमेंट हमारी शुरू है ईटा के जरिए, थर्ड पार्टी के जरिए हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी लॉ में लिखी हुई है इसी वजह से वहाँ से ही करवाते हैं। और पब्लिसिटी कमीशन का जो आपने बताया वो भी ये पेंडेमिक की वजह से शायद डिले हो रही थी, लेकिन हम इसको अभी देख रहे हैं कि पुलिस खुद भी करे या इनसे थर्ड पार्टी से करवाई जाए, तो हमें कैपेसिटी है कि हम कर सकते हैं, लेकिन ये हम पुलिस पॉलिसी बोर्ड में आपकी सजेशन इंशाल्लाह रखेंगे कि हम खुद करें मतलब, लेकिन अभी इंशाल्लाह पेंडेमिक की वजह से ये थोड़ी सी डिले हुई और हम कोशिश करेंगे ये जल्दी से हो जाए। अभी जूनियर क्लर्कों की हमारे पास थी सीटें 400 के करीब, जो ये पहली मरतबा हुआ है मैं आपको बताऊँ कि केपी पुलिस में के बजट जो है थानों पर दिया गया है और एसएचओ ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर होगा, तो ये किसी भी किसी और जगह पे ये नहीं है, तो उसके लिए 400 बंदे जूनियर क्लर्क गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी कि इनको भर्ती किया जाए, जूनियर क्लर्क जो थानों पर लगेंगे और एसएचओ को असिस्ट करेंगे या एड करेंगे कि बजटरी मैटर्स हल कर सके, तो हम उसकी भर्ती चल रही है और पुलिस वालों की भर्ती चल रही है, पुलिस कांस्टेबल्स की भी अभी चल रही है, लेकिन उसमें बहुत सी तादाद है और ये हम फाटा सेव कर रहे हैं मतलब रिक्रूटमेंट, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी, लेकिन ये आपकी जो सजेशन है कि पुलिस खुद करे, हम आपस में जितने भी पुलिस है के पुलिस अफसरान है बैठ के आपकी सजेशन का जायजा लेंगे, बड़ी अच्छी सजेशन है और करनी भी चाहिए। नहीं नहीं मैं जरूर ये पॉलिसी बोर्ड में रखूंगा ये चीज उसके मतलब, क्योंकि पहले पुलिस एक्ट में ये लिखा हुआ कि थर्ड पार्टी करेगी, तो इसी वजह से हम लीगली कंस्ट्रेंट थे, लेकिन ये आप ये सजेशन आई है आवाम की तरफ से, इंशाल्लाह पुलिस पॉलिसी बोर्ड में ये लिखकर और गवर्नमेंट से सलाह मशवरे के बाद ये कानून पास करवाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू।
हेलो सर, मंसूर डिस्ट्रिक्ट से, दिस इज जावेद। हेलो, अस्सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक है, आप बताएं कोई मसला। जी जी, मैं बोल रहा हूँ आई जी बोल रहा हूँ सुनाम लाइफ पास। जी जी, मेरे हस्बैंड आर्मी मेडिकल फोर्स से रिटायर्ड थे, 4 साल से जिला मंचर के बाद आर्मी प्रैक्टिस कर रहे थे। जी जी, तो बस ये 31 अक्टूबर 2019 को घर वापस आ रहे थे, तो रस्ते में किसी ने उनको खत्म कर दिया। ठीक है, हमारी किसी से कोई बैठी दुश्मनी नहीं है। तो सर, जो लोगों के कहने के मुताबिक जिस बंदे ने पुलिस को बुला दी और सबसे पहले वहां पर जाए वही काटिल है, जरूर कराऊंगा। मैं अभी डीआईजी से बात करता हूँ, आपका नंबर भी आ गया है। एफआईआर नंबर क्या है? एफआईआर नंबर और थाना थाना कौन सा है? खोला। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ, मेहरबानी आपकी, मैं करता हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं अभी डीआईजी से बात करता हूँ, ये जैसे ये कॉन्फ्रेंस खत्म होती है उसके बाद डीआईजी से बात करता हूँ, इंशाल्लाह मुलजिम को गिरफ्तार करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये भाई लिख लेना, ये तो हेलो। हेलो, अस्सलाम अकबर, क्या हाल है? ठीक है जी, बिल्कुल ना शुक्र सर। मैं लोअर मैदान से अकबर खान बात कर रहा हूँ। करे तो हमारा केस ये था, ये था ना ऊंच के उधर से हमारे बैंक की गई थी, तो वापसी के रात 9 बजे आ रही थी, तो उसकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग बंद हो गई थी। ये 3 महीने की पहले की बात है, तो उसमें हमारे 4 बंदे शहीद हो गए और 3 जख्मी हो गए। अभी तक 3 महीने हो गए, पुलिस ने कोई आउटपुट हमें नहीं दिया, तो अगर आप लोग इससे थोड़ा सा हमारे हेल्प करें तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बड़ी मेहरबानी। एफआईआर नंबर क्या है आपके पास? मोबाइल नंबर सर। एफआईआर नंबर सर, ये तो मुझे अभी जुबान याद नहीं है। मैं वैसे अभी मैं लाइव चल रहा था, तो मेरे प्रोग्राम का नहीं। नहीं, बड़ी मेहरबानी आपकी। एफ आई आर आपका टेलीफोन नंबर आ गया है, मैं कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा, एफआईआर नंबर दे देना और इंशाल्लाह करते हैं। अकबर साहब, मैं करता हूँ, मतलब वो उसके हमारा बेटा और इसकी जो है ना वाइफ और दो बेटा बेटी शहीद हो गई थे, हमारे साथ बहुत बड़ा जुलम हुआ है सर, मेहरबानी। नहीं नहीं, मैं अभी करता हूँ, कोई बंदा कांटेक्ट करेगा आपसे, मैं खुद भी करूँगा इंशाल्लाह डीपीओ से। मैं जैसे ये डाक खत्म होती है मैं उनसे बात करूँगा, डीपीओ और डीआईजी से इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।
हेलो डिस्ट्रिक्ट पेशावर टोल से यासर बात करना चाहते हैं। हम बात करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम यासर, क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं सर? हुक्म करें। जी शुक्रिया सर। मैं शाहिद टोल पेशावर से, मेरा ताल्लुक के थाना वाकों के साथ हमारा लगता लगता है और सर तकरीबन 40 साल से हम परदेश में रह रहे हैं, जिसकी दरबार सर पे भी मैंने कंप्लेंट किया है सर, इधर थानों में भी है, डीएसपी के पास भी है। हमारे साथ कुछ ऐसा मसला हुआ है सर, वो लोग यानी मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं तकरीबन 10 करोड़ रुपए पाकिस्तान लेके आया हूँ, 8 लाख रुपए मैंने अपना देश भी छोड़ा है, मैं पाकिस्तान आई हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं सर, वो कुछ कभी नौसरबाज लेके आते, कभी बदमाश लेके आते, सब मेरे को मेरी जिंदगी लोगों ने जीरण कर दी है सर। आप प्लीज कहेंगे कुछ, अगर इस पर कुछ हो सकता है तो वो आगे जो है वो मतदान से ताल्लुक है उसका मुहिम बांधना। और ऑलरेडी मैं इंस्पेक्टर पार्टन पे भी जी सर कंप्लेन की हुई है और अचानक ने मेरे को बुलाया, मैं गया उधर, सब कुछ मैंने रख दिया कि भैया आपको बताओ मेरे को क्यों तंग कर रहा है। नहीं नहीं हम ओवरसीज का बड़ा ख्याल करते हैं, हमने अलहदा डेस्क बनाई हुई है इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह आपका नंबर भी नोट हो गया है, मैं अभी पर्सनली इसको देखते हैं। हम ओवरसीज के लिए हम बहुत ही यहाँ पे, क्योंकि ओवरसीज की बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट में। नहीं नहीं इंशाल्लाह आपको प्रोटेक्ट करते हैं इंशाल्लाह। अगर उसका मेरे साथ मत बनता है तो मैं उसको पहले भी लिखा ही किया है, अभी मैं देने के लिए तैयार हूँ उसको, एक चेक में भेज दूंगा। मैं सकते 15-20 लाख रुपए के लिए मैं गलत काम नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया हुआ है, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल जिंदगी गुजार रहे, लेकिन ये लोग मेरे को जिंदगी गुजारने नहीं दे रहे सर। नहीं आपका नंबर नोट हो गया है, इंशाल्लाह आपसे कोई ना कोई कोऑर्डिनेट करेगा और इंशाल्लाह करते हैं, क्योंकि हम बड़ा ओवरसीज का बड़ा ख्याल करते हैं। सर हमने बहुत लोगों के साथ हेल्प कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, इस बंदे के साथ भी हमने सिर्फ हेल्प किया हुआ था सर, ये हेल्प की वजह से आज हम आपको जो है ना तंग कर रहे हैं सर। नहीं नहीं इंशाल्लाह करते हैं, इंशाल्लाह करते हैं, कोऑर्डिनेट करेगा। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, ओके, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम शहजाद साहब, क्या हाल है? ठीक है जी सर, आपकी अल्लाह की दुआ है और आपकी दुआ है सर। बस मैं शहजाद अहमद यूसुफ से शांगा से बात कर रहा हूँ सर। हुक्म करें, हुक्म करें जी सर। मेरे वाले साहब जो थे आप साहिबान के साथ वहाँ पे पुलिस में बतौर एसआई ड्यूटी सर एग्जाम दे रहे थे सर, और अचानक वो फोन हो गए सर्विस का प्रोग्राम थाने में जो थे वो गाड़ी में एसएचओ थे सर। सर आपसे साहिबान से अचान आ रही है कि हम आप शांगला से ताल्लुक रखते हुए और मैं जो था मैंने आपकी डीजी टाइम में एटेंड किया है और मैं फिजिकली ट्रीट बराबर हूँ, फाइनेंशियल भी ठीक है, लेकिन सर उन्होंने मुझे जूनियर कल में डाला था, लेकिन जूनियर कल में मैंने टेस्ट फेल किया है सर। आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट थी, हम अगर रिक्वेस्ट थी कि आप हमें कांस्टेबल में रिक्रूट करें तो आपकी मेहरबानी होगी सर। बड़ी मेहरबानी। आज आपका मेरे पास शांगला से है, कहाँ से बताया आपने? जी सर मैं शांगला से केसर से बात कर रहा हूँ, शांगला पास से सर। हाँ बिल्कुल, आज आपका मिनिस्टर भी आया था मेरे पास है इसी में के बहुत लोगों ने पास किया है और वैकेंसियाँ हमारे पास कम है, हमारे पास वैकेंसियाँ हैं इसकी जूनियर क्लर्कों की 7 हैं, 8 है मेरे ख्याल से, और कांस्टेबलों की 6 हैं, ये तो वैकेंसियों पर करेगा, तो मैं इसको देख रहा हूँ इंशाल्लाह के, क्योंकि पास बहुत लोग हुए हैं ना।
ठीक है इंशाल्लाह मैं उसे बात करता हूँ, देखते हैं मैं मेरिट लिस्ट देखते हैं और वो जो आप बता रहे हैं। ना बड़ी मेहरबानी, मैं देख रहा हूँ ये जो आपने बात की ना कि आपके मुबारक को पहले तो ईटा आपने क्वालिफाई किया, ये बहुत अच्छी बात है बहुत ही। इंशाल्लाह मैं अभी आज ही बात कर लेता हूँ SSP से और इंशाल्लाह कल आपको वो तकलीफ देगा, उनसे मिल लेना इंशाल्लाह जरूर, या आपको कॉल कर लेगा इसी नंबर पे इंशाल्लाह, आपका मसला हल करते हैं इंशाल्लाह। ना ना बड़ी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है हाँ, सदा बात बताएं, हुक्म करें सर जी। पहले तो शेयर करते हैं आप लोगों ने हमारा हमें टाइम दिया सर। दूसरी बात ये है कि सर मेरे मेन जी की रोड पर सुगर मिल के सामने क्या है सर जी जी, जिसके जिसके सामने रेलवे प्लांट है, नजदीक खेत है, हम इस प्लांट वगैरह से रहते हैं, हमारा घर भी इधर ही है सर। कुछ लोग है हमारे घरों के पीछे एक पल्लम से आते हैं, हमें तंग करते हैं, वेपर वगैरह पे दिए, सरकारी जमीन हमारी है, हालांकि जी ये अभी भी रेलवे की जमीन है और हमारा महाज है जी, हमारे घर से हम सब जी एजुकेटेड है, हमारे एजुकेशन से ताल्लुक है, हम खुद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सर। बार बार हम सारे में जाते हैं, दरखास्त भी दिए डीपीओ के तरानी साहब ने भी वो किया, लेकिन वो जब उसको पकड़ लेते हैं एक घंटा आठ में उसके लिए सफारत आ जाती है और खोल देते हैं। अभी सर हम या तो ये करेंगे कि वेपन उठाएंगे या तो एजुकेशन को जारी करेंगे, हम जी सारे जी जो जितने भी हमारा फैमिली एजुकेटेड फैमिली है, मैं खुद भी इंजीनियर हूँ सर, मेरे भाई भी जी, मेरे अंकल वगैरह एजुकेशन, मेरी वाइफ भी एजुकेशन में सर, हम तो बहुत तंग है, वो लोग आ जाते हैं वेपन यहाँ पर घुमाते हैं, धमकाते भी है और फिर वापस चले जाते हैं। सर ये रिक्वेस्ट है कि आप पहली डी पी ओ साहब को या DSP साहब को आप वो कर लें, नहीं नहीं बड़ी मेहरबानी, मैं अभी कहता हूँ उनको आपका, इंशाल्लाह आप एजुकेटेड फैमिली हैं, अच्छे लोग हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसे बात करता हूँ। नहीं 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 बिल्कुल नहीं 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 मैं अभी बात करता हूँ उनसे, SSP से और DIG से, हाजिर आपका नंबर नोट हो गया है, अभी करता हूँ मैं बात, हाजिर नहीं नहीं बड़ी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो हेलो, अस्सलाम क्या हाल है आपके? ठीक है जी जी, आखुनज़ादा हुक्म करें जी 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 जी, हुक्म करें हुक्म। मैंने बर्बाद
ना, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं वैसे थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं अभी तो ये चेक कर रहा हूँ बात जो आप बता रहे हो, लेकिन आपको बताऊं नहीं, ठीक है, आप मंडे या ट्यूसडे को आ जाएं, मैं अपने पीएसओ को कहता हूं कि आपको टाइम दे दे, नंबर आपका नोट हो गया है। लेकिन आप लोगों के 3 आदमी शहीद हो गए थे जिनके मुलजिम गिरफ्तार हुए, ब्लाइंड केसेस थे क्वाट में। ये चलो मंडे या ट्यूसडे को मेरा कोऑर्डिनेट कर लेगा पीएसओ, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, आपसे सजेशन लेते हुकुम। नहीं, मैं इसको देख रहा हूँ, ये जो नहीं मैं नहीं, मैं इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, ये सारे इश्यूज डिस्कस करते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह आई विल गिव यू अ फुल हियरिंग, इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे को मिलते हैं, देखते हैं कि क्या है, जो भी होगा फिर उसी मुताबिक फैसला होगा। थैंक यू। हेलो, हम बात कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। जी जी, हुक्म करें, हुक्म करें, हुक्म। जी 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 जी, हुक्म करें। जी जी मैंने, बड़ी मेहरबानी, आपको मैं नंबर दे देता हूँ, वैसे सारों के लिए है, ये प्रोग्राम इंटरनेशनली भी चल रहा है, फेसबुक पर लाइव हो रहा है, तो ये मैं एक नंबर दे रहा हूँ सारों को, ये मुझे टेक्स्ट कर देना उसी पर ही, 0300-217-3444, ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो काइंडली इस पर टेक्स्ट कर दें, मैं आई विल लुक इन टू इट, और DPO से भी मैं बात करता हूँ इंशाल्लाह, आई विल इंश्योर जस्टिस, और ये मेरा पर्सनल नंबर है, जो भी सुन रहे हैं आपकी वसाखत से, वो 217-217-3444
444 444। ये मेरा पर्सनल नंबर है, जो भी आप भेजना चाहते हैं इस पर भेज दें काइंडली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। परचम के तले वादे हैं किए खुद से हमने, ये जमीन पर बत